इबादत तौहीद और कादर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला कुतुब इलाहिया कुतुब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है नबुव्वत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातिमुन नबीयीन बहैसियत खातिमुन नबीयीन जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बहसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी ईमानदारी और वफादारी के साथ और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत सालमियत इस्तेहकाम इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा कि दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़ और दफा करूँगा और उसका तहफ़ और दफा करूँगा और ये कि मैं और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रायत और बिला रगबत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की ना इतला दूंगा ना इसे ज़ाहिर करूंगा जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। मुबारक सदर मुमलिकत अगर आपकी इजाज़त हो तो आज की तकरीब का इख्तिताम किया जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो लियाकत हॉल में तशरीफ़ ले जाएं। पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म